तो माई सेल्फ सोनू कुमार मौर, आज हम सभी अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का जो है डीआर क्लासेस भाई सोनू सर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2018 जो कि आने ही वाला है। आज हम इसमें देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक वाइज, तो जिसमें हम लोग आज सबसे पहले फिजिक्स चैप्टर के बारे में जो है जानेंगे कि फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो पेपर पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो आपका जो पेपर पैटर्न होता है जिसमें आपके 50 नंबर के पेपर होंगे, आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और इसमें आपके टोटल 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें खंड फर्स्ट होता है, आपका खंड अ होता है जिसमें आपके 12 प्रश्न होते हैं उसमें से आपको 10 करने होते हैं। दूसरा होता है आपका खंड जिसमें से आपके 7 प्रश्न होते हैं उसमें आपको 5 करने होते हैं। इसके बाद तीसरे खंड, चौथे खंड और पांचवें खंड में आपके 3 3 प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको 2 2 खंड करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे फिजिक्स को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमने जो है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तो आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट फर्स्ट भाग। तो जिसमें पहला टॉपिक है आपका मापन तथा विमाएं। तो मापन तथा विमाएं में जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि मूल राशियां तथा मूल मात्रक क्या होते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। इसके बाद बीमा, तो बीमा की परिभाषा और बीमा के उपयोग भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं जैसे आपका बल है, कार्य है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है, घनत्व है, ऊष्मा चालकता गुणांक है, विकृति, आज की बीमाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नत्रुट। तो प्रश्नत्रुट में आपसे प्रश्नत्रुट निकालने के लिए आ सकता है, इससे जनरली एक नंबर का क्वेश्चन आपका जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप परसेंटेज इधर भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो इसका सेकंड टॉपिक आता है उसमें आता है आपका फोर्स और मोशन। तो फोर्स और मोशन में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उसमें आपका आता है अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो आपके एग्जाम में अदिश राशियां और सदिश राशियों में अंतर या उनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है और उनके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि बल क्या है तथा बल का वर्गीकरण। तो देखिए इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बल क्या है और बल कितने प्रकार के होते हैं और बल का मात्रक क्या होता है। तो बल के जो मात्रक होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद न्यूटन के गति विषयक नियम, तो न्यूटन के आपके 3 नियम होते हैं, तीनों नियम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि जो कोणीय वेग होते हैं और जो आपके रेखीय वेग होते हैं उनमें क्या संबंध होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। तो कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध है यह भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है आपका अपकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। तो देखिए यहां तो दोनों बलों की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो अपकेंद्र बल है और जो आपके अपकेंद्र बल है वो क्या होते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइम चलते हैं तो जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। तो कार्य शक्ति एवं ऊर्जा में आपसे पूछा जा सकता है कि घर्षण क्या होता है या घर्षण की परिभाषा दीजिए और यह कितने प्रकार का होता है। तो जो भी आपके घर्षण के प्रकार होते हैं आपको इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है घर्षण कोण की परिभाषा क्या होती है और सीमांत घर्षण के नियम बताइए। फिर इसमें आपसे देखिए घर्षण से एक न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आंतरिक तल से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं आप उनको हल कर लीजिएगा तो आपका एक न्यूमेरिकल लगभग इस चैप्टर से पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा के जो आपके रूप है आप उसके विभिन्न रूप जैसे आपकी स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षण के जो नियम है तो ऊर्जा संरक्षण के क्या क्या नियम होते हैं इसको आपको बताना होगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं तो हमारा जो टॉपिक नंबर 5 आता है उसमें हम पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में देखिए हमारा आता है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछा जा सकता है समांतर अक्षों का प्रमेय
और लंबवतों का प्रमेय, और इसको सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो ये आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आता है आपसे बलागुण तथा कोड़ी त्वरण में संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आपसे पूछा जा सकता है कि बलागुण और कोड़ी त्वरण में क्या संबंध है। नेक्स्ट है आपका गतिपालक चक्र, जिसे हम फ्लाईव्हील कहते हैं, तो पूछा जा सकता है कि आपका जो गतिपालक चक्र होता है वह क्या होता है और इसका क्या उपयोग होता है, यानी इसका कहां पर उपयोग किया जाता है। लास्ट इसका है कि कोणीय संवेग की परिभाषा, तो देखिए आपसे कोणीय संवेग की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। इसके बाद आपका कोणीय संवेग तथा जड़ता गुण में संबंध बताइए। ये आपका जो है फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट यहां से कंप्लीट होता है। अब पार्ट सेकेंड के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप डीआर क्लास एडवाइस प्रोफेसर को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ करके और एग्जाम को अच्छे से पास कर सके। धन्यवाद।